दिल्ली मेट्रो में हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पर शुरू हो जाती हैं। दिल्ली मेट्रो से लड़ाई झगड़े से लेकर रील बनाने के लिए अजीबोगरीब हरकतें करने वाले वीडियो सामने आते रहते हैं, जिस पर एक्शन लेने की मांग भी समय समय पर उठती रहती है। हालांकि DMRC की ओर से भी अब ऐसे लोगों पर सख्ती बरती जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने मेट्रो में उपद्रव करने वाले लोगों और रील बनाने वाले लोगों पर 1600 से ज्यादा लोगों पर एक्शन लिया। इन सभी पर जुर्माना लगाया गया। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि ये मामला केवल अप्रैल या जून के महीने के बीच दिल्ली मेट्रो में हुई झगड़ों और हंगामे को लेकर कार्रवाई का है। DMRC के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक केवल रील्स बनाने वाले लोगों को डेटा अलग से उपलब्ध नहीं है। जिन पर लोगों पर एक्शन हुआ उनमें उपद्रव मचाने वाले, ट्रेन के फर्श पर बैठने वाले और ट्रेन के अंदर खाना खाने जैसे अपराध भी शामिल हैं। मेट्रो रेल अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत उपद्रव पैदा करने के लिए 1647 जुर्माना जारी किए गए। DMRC ने अप्रैल में 610, मई में 518 और जून में 519 मामले दर्ज कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कुल 1647 लोगों के खिलाफ जुर्माने जारी किए। डेटा के मुताबिक पिछले साल यही संख्या क्रमश 528, 485 और 587 थी। DMRC के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने इसी पर कहा कि मेट्रो परिसर में उपद्रव करने वाले लोगों पर कार्रवाई इसलिए होती है जिससे इस तरह की घटनाएं ना हों। हमारे पास उन्हें दंडित का प्रावधान है। अगर कोई मेट्रो परिसर में उपद्रव करता है और हमें उन्हें दंडित करता है तो हम जरूर करते हैं। उन्होंने कहा कि मुद्दा यही है कि हमारे पास इतनी जनशक्ति मौजूद नहीं है कि हम हर कोने की जांच करें। मेट्रो में एक दिन में 68 लाख यात्री सफर करते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की निगरानी करना आसान नहीं। CCTV के माध्यम से हम परिसर में कुछ भी होने पर पता लगा सकते हैं। गौरतलब है कि आए दिन दिल्ली मेट्रो से ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं जिनमें कभी यात्री सीट पर या किसी अन्य वजह से एक दूसरे से भिड़ जाते हैं तो कभी मेट्रो के अंदर कुछ लोग अश्लील हरकतें करते भी दिखे हैं। ऐसे में DMRC ने यात्रियों को रील बनाने और असुविधा पैदा करने के रोकने के लिए मेट्रो स्टेशनों पर पोस्टर भी लगाए थे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।